हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 17-20 का जो आपका एडमिशन की तिथि है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा कहाँ से भरा जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो को पूरी डिटेल के साथ हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कहीं भी फॉर्म भरने में या एडमिशन कराने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो आपके मन में चल रहा होगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कल जैसा कि मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से मैं पूछा था कि मैं वीडियो बनाऊं या छोड़ दूं, उसको लेकर इतना सारा कमेंट आ गया है कि मैं क्या बताऊं। आज मुझे सच में कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है, क्योंकि फ्रेंड, अगर कोई आपके सपोर्ट में काम करता है, अगर उसके विपक्ष में आप कुछ बोलते हैं तो थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको लेकर सपोर्ट किया तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा है इस बात को लेकर कि चलिए, कुछ ही लोग होंगे जो निगेटिव सोच रहे हैं और लोग तो पॉजिटिव वाले हैं ना। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। चलिए अब पॉइंट वाली बात पे आते हैं। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए उसके बाद ही मैं आप सभी के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 17-20 का जो पार्ट थर्ड का एडमिशन का तिथि है वो जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि 7/7/2021 से लेकर 13/7/2021 तक आप सभी का नामांकन होगा। उसके बाद नामांकन होने के बाद अगर कॉलेज ओपन होता है तो आपका क्लास भी स्टार्ट होगा। उसके बाद नामांकन कराने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। फ्रेंड, नामांकन कराने के लिए सबसे पहले आपको तो अपने कॉलेज से एक फॉर्म लेना होगा, जो नामांकन फॉर्म होता है। उसके बाद आपका जो है पार्ट टू का अंक पत्र, जिसको मार्कशीट बोलते हैं, चाहे आप पास हुए हों चाहे आप प्रमोटेड हों, वो लगाना जरूरी है, उसका छायावर्ती लगाना जरूरी है। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका भी फोटोस्टेट यानी कि छायाप्रति लगाना जरूरी है। उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड है उसको भी लगाना जरूरी है। आप लोग समझ चुके होंगे, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही जरूरी है, इसका छायाप्रति आप सभी को लगेगा। उसके बाद उसका वहीं पर आपको वेरिफिकेशन भी कराना है, सभी कॉलेज में हो सकता है, अलग अलग नियम हो, वेरिफिकेशन कराकर आपको कॉलेज में ही जमा करना है। ये नामांकन के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब बात करेंगे एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर।
फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को इसके पहले मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको साफ साफ बताया हूं कि 7/7/2021 से लेकर 13/7/2021 तक आप सभी का जो है एग्जाम फॉर्म को भरा जाना है बिना लेट फाइन का, और लेट फाइन को लेकर 17/7 तक भरा जाएगा। उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बता दिया हूं, पहले भी बता दिया हूं, ऊपर आई बटन पर आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी बातें उसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग प्रमोटेड हो वो फॉर्म भर सकते हैं, पार्ट वन में प्रमोटेड है तो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, पार्ट टू में प्रमोटेड है तो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इसी को लेकर एक भाई ने मुझे पागल बताया था, और ये भी बताए थे कि इनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कल वाला जो आप लोग वीडियो जैसा कि मैं बनाया था उसमें वो एक नहीं कितना बार माफ़ी मांगे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम माफ़ी तो आप मांग लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गलती करता है उसको एहसास हो जाता है कि मैं गलती किया हूँ और माफ़ी मांग लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, चलिए ये बहुत खुशी की बात है, कम से कम आप तो माफ़ी तो मांग लिए। चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बता दिया हूँ, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको जेपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट www.jpurials.in पर जाकर अपने फॉर्म को भरना होगा। अभी तो यानी कि 2 बज रहा है आज 7/7/2021 है, लेकिन अभी तक इस लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो आप लोग चेक करते रहें, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आप लोग अपने फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि जो वेबसाइट होता है बहुत जल्दी स्लो हो जाता है, तो जो लोग जल्दी फॉर्म भर देंगे हो सकता है उनका जल्दी सक्सेस हो सके, क्योंकि आप सभी देखते हैं कभी ज़्यादा लेट होने पर पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। पहले तो आपको एडमिशन कराना होगा, तो जाकर आप अपने कॉलेज में एडमिशन को करा लें और परीक्षा फॉर्म को भर दें। फ्रेंड, आज के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।